तो गाइस आज है हमारे पास K9 का एक वायरलेस माइक। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस माइक के बारे में, क्या ये माइक हमें लेना चाहिए, इस माइक की क्या प्राइस है, इस माइक की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, और ये भी देखेंगे इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये माइक है, ये है सबसे टॉप मॉडल K9। इसे नीचे एक आता है K8, लेकिन उसके अंदर हमें ओनली सिंगल माइक मिलता है। K9 के अंदर आपको दो माइक मिलेंगे। तो चलो इसको ओपन करते हैं। तो देखो ओपन करते ही हमारे सामने आ जाते हैं दो माइक। तो अभी पूरा सामान मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ, बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े। तो इसके अंदर मिलते हैं हमें दो माइक, और माइक के साथ मिलते हैं हमें एक एडेप्टर जो कि कनेक्ट होएगा आपके मोबाइल के साथ, और साथ में हमें मिलते हैं एप्पल कन्वर्टर। अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है तो आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, आपको मैक्रो का रिपोर्ट नहीं देंगे। अगर सी पोर्ट है तो कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना आपको मैक्रो का तो बाहर से खरीदना पड़ेगा। और साथ में मिलती है हमें केबल, चार्जिंग केबल जो कि बढ़िया क्वालिटी के काफ़ी। तो देखो ये छोटी सी केबल है जो कि आपके अडेप्टर में लगेगी। और साथ में मिलता है हमें एक मैनुअल जो कि किसी काम का नहीं है। और इस बॉक्स के अंदर मिलता है एक सॉफ्ट सा बेड जिसके अंदर इस सबको लटाया गया था, काफ़ी सॉफ्ट सा है। देखो मन कर रहा है इसी के ऊपर सो जाऊँ, आज थारा भाई इस बेड के ऊपर सोएगा। तो इसको रखते हैं साइड में। जो इस माइक की रेंज है वो है 20 मीटर। तो अब इसको मोबाइल में लगा के दिखाते हैं। तो ये है हमारे पास एडेप्टर, ये डायरेक्ट ऐसे मोबाइल में लग जाएगा। तो अब बारी आती माइक की। माइक के ऊपर एक आपको पावर बटन दिया हुआ है जिसको आप सिर्फ 2 सेकंड प्रेस करके रखें, ये स्टार्ट हो जाए। देखो ग्रीन लाइट आ रही है, सिग्नल आ रहा है। तो हमने एडेप्टर मोबाइल कनेक्ट करा था, उसके अंदर भी अभी ग्रीन लाइट आ चुकी है और इसके अंदर भी। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ इस माइक की आवाज। तो अभी मेरा माइक मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है, अब आपको जो भी आवाज सुनाई दे रही है वो इस माइक की है। तो आपको पता लग ही रहा होगा क्या क्वालिटी है इसकी, बढ़िया क्वालिटी है। तो मेरे ख्याल से बढ़िया आ रही होगी आपको आवाज। इससे पहले मैं यूज कर रहा था बोया M15 और अब मैं यूज कर रहा हूँ K9। आप दोनों में डिफरेंस बताना भी, उसकी आवाज अच्छी है या इसकी। मेरे ख्याल से तो बोया की ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो वायरलेस नहीं है, वो विद वायर। इसके साथ भी दिया हुआ है क्लिप जो ओपन क्लोज होता है, तो सिंपली ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। इसका मुंह तो नीचे की तरफ हो गया, तो सुसाइड करेगा टूटा हुआ स्टार्ट होने से पहले ही। तो ये माइक मैंने अटैच कर दिया मेरे टी शर्ट के साथ। तो देखो बिल्कुल कंफर्टेबल है, कहीं मर्जी व्लॉग बनाओ, कुछ वीडियो बनाओ, ये आपकी आवाज बिल्कुल सही लेगा। पीछे की नॉइस को भी बिल्कुल जीरो कर देता है। और दूसरा माइक ये है, अगर आप इसको किसी और बंदे को पड़ाते हो तो आपकी दोनों की आवाज आएगी, सामने बंदा मान लो कहीं और है और आप कहीं और हो, तो दोनों की आवाज एक साथ आएगी इसमें। तो ये काफी बेस्ट लगा मेरे को एडेप्टर इनका एक ही है दोनों का मिलाकर। इसको भी ऑन कर दो तो दोनों ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। तो अगर दूसरे कोई बोले तो उसकी आवाज भी आएगी, मैं यहाँ से बोलूंगा तो मेरी आवाज भी आएगी। तो इसका एक नीचे वाला मॉडल भी आता है जो है K8, उसके अंदर सिर्फ आपको एक माइक देखने को मिलता है और वो है 400 रुपीज में। और ये है K9, ये है ओनली 600 रुपीज का, और इसमें 200 रुपए एक्स्ट्रा लगा के एक माइक और साथ में आ रहा है। तो इससे K8 लेने का तो कोई फायदा मैं आपको मतलब कह नहीं रहा भी, आप K8 लो, आप K9 नहीं लो। अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो ये माइक आपके लिए बेस्ट माइक रहेगा, 600 रुपए में डबल माइक। और क्या चाहिए? तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, आई होप आपको आज के अनबॉक्सिंग पसंद आई हो। तो नए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो शेयर भी जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।